हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर विनोद कामले। प्रीवियस वीडियोस में हम लोग ने देखा कि प्राइमरी डेटा क्या होता है और सेकेंडरी डेटा क्या होता है। अभी इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि डेटा कलेक्शन मेथड को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, मतलब रिसर्चर कब प्राइमरी डेटा कलेक्ट करते हैं और कब सेकेंड डेटा कलेक्ट करते हैं। सो लेट अस सी। सबसे पहला फैक्टर है अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम। रिसर्चर के पास कितना टाइम अवेलेबल है रिसर्च एक्टिविटी कंडक्ट करने के लिए, उसके ऊपर डेटा कलेक्शन का मेथड डिपेंड होता है। अगर सपोज रिसर्चर के पास काफी सारा टाइम अवेलेबल है तो डेफिनेटली रिसर्चर यहाँ पे क्या करेगा, प्राइमरी डेटा एज वेल एज सेकेंडरी डेटा भी कलेक्ट करेगा। लेकिन अगर रिसर्चर के पास टाइम का शॉर्टेज है देन रिसर्चर यहाँ पे या तो प्राइमरी डेटा कलेक्ट करेगा या सेकेंडरी डेटा कलेक्ट करेगा, और उसमें भी रिसर्चर पहले सेकेंडरी डेटा को प्रेफरेंस देगा, बिकॉज सेकेंडरी डेटा जो होता है वो कम से कम समय में कलेक्ट किया जा सकता है और उसका एनालिसिस किया जा सकता है। तो इस तरीके से टाइम अवेलेबिलिटी के ऊपर रिसर्चर का जो डेटा कलेक्शन का मेथड होता है वो डिपेंड होता है। दूसरा फैक्टर है रिसर्च बजट। इसका मतलब रिसर्चर के पास रिसर्च के लिए कितने फंड्स अवेलेबल है। अगर सपोज रिसर्चर के पास रिसर्च के लिए सफिशियंट बजट अवेलेबल है या सफिशियंट फंड उसके पास है, तो उस केस में रिसर्चर जो है वो प्राइमरी डेटा कलेक्ट कर सकता है। और अगर सपोज रिसर्चर के पास बजट का कंस्ट्रेंट है या फंड्स लिमिटेड है, तो रिसर्चर यहाँ पे सेकेंडरी डेटा के लिए जाएगा, बिकॉज सेकेंडरी डेटा जो होता है वो कलेक्ट करने के लिए ज्यादा फंड्स की जरूरत नहीं होती है। प्राइमरी डेटा में क्या होता है, क्वेश्चनियर प्रिपेयर करना पड़ता है, देन फील्ड स्टाफ जो होता है उनको ट्रेनिंग देना पड़ता है, और भी बहुत सारे अरेंजमेंट्स करने पड़ते हैं, जैसे इंटरव्यूज वगैरह कंडक्ट करने होते हैं तो हॉल बुकिंग करना पड़ता है, तो ये सब में काफी ज्यादा पैसा लगता है। तो इसके लिए प्राइमरी डेटा जो होता है वो अगर रिसर्चर के पास अच्छा खासा फंड होगा तो यूज किया जाता है, अदरवाइज अगर फंड्स का शॉर्टेज होता है तो रिसर्चर यहाँ पे सेकेंडरी डेटा कलेक्ट करता है। थर्ड फैक्टर है नेचर ऑफ रिसर्च। नाउ यहाँ पे किस टाइप का रिसर्च जो है वो रिसर्चर कर रहा है उसके ऊपर डेटा कलेक्शन का मेथड डिपेंड करता है। जैसे कि सपोज रिसर्चर हिस्टोरिकल रिसर्च कर रहा है तो उस केस में उनको सेकेंडरी डेटा की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन अगर सपोज रिसर्चर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है या जहां पे वो लोगों के पास से ओपिनियन व्यूज ये सब कलेक्ट करना चाह रहा है, तो वहां पे रिसर्चर को प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा दोनों की जरूरत पड़ सकती है। जैसे कि अगर सपोज रिसर्चर को कस्टमर के पास से उनका सेटिस्फेक्शन लेवल फाइंड आउट करना है कि कस्टमर जो है वो कंपनी के प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड है कि नहीं, या कौन से फैक्टर जो है वो सेटिस्फेक्शन को अफेक्ट करते हैं, तो डेफिनेटली उसके लिए रिसर्चर को प्राइमरी डेटा लगेगा और थोड़ा सा सेकेंडरी डेटा भी लगेगा। वहां पे सिर्फ सेकेंडरी डेटा से रिसर्चर का रिसर्च प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो सकता नहीं है। तो इसके लिए हिस्टोरिकल रिसर्च होता है तो सेकेंड डेटा लगता है, और अगर एक्सपेरिमेंटल या ओपिनियन या व्यूज कलेक्ट करने होते हैं तो प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा दोनों लगता है। फोर्थ फैक्टर है अवेलेबिलिटी ऑफ रिसर्च स्टाफ। रिसर्चर के पास डेटा कलेक्शन करने के लिए कितना रिसर्च स्टाफ अवेलेबल है उसके ऊपर भी डेटा कलेक्शन का मेथड डिपेंड करता है। अगर सपोज उसके पास सफिशियंट रिसर्च स्टाफ अवेलेबल है प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के लिए, तो उस केस में रिसर्चर जो है प्राइमरी डेटा कलेक्ट करेगा। पर अगर सपोज रिसर्चर के पास फील्ड स्टाफ अवेलेबल नहीं है या फिर फील्ड स्टाफ को अपॉइंट करना काफी डिफिकल्ट है बिकॉज रिसर्चर के पास फंड्स का शॉर्टेज है, तो उस केस में रिसर्चर क्या करेगा, सेकेंडरी डेटा जो है वो कलेक्ट करेगा। तो यहाँ पे रिसर्च स्टाफ कितना है उसके ऊपर रिसर्चर प्राइमरी डेटा कलेक्ट करेगा या सेकेंडरी डेटा कलेक्ट करेगा ये डिसाइड करता है। नेक्स्ट फैक्टर है प्रिसीशन रिक्वायर्ड। प्रिसीशन का मतलब क्या होता है, एक्यूरेसी, मतलब कि रिसर्चर को रिसर्च में कितनी एक्यूरेसी चाहिए। तो डेफिनेटली हर एक रिसर्चर चाहता है कि उसके रिसर्च का डेटा जो है वो एक्यूरेट हो। इसके लिए रिसर्चर्स यहाँ पे क्या करते हैं, प्राइमरी डेटा भी कलेक्ट करते हैं और सेकेंडरी डेटा भी कलेक्ट करते हैं। तो एक्यूरेसी के ऊपर या प्रिसीशन के ऊपर भी यहाँ पे डेटा कलेक्शन मेथड जो होता है डिपेंड करता है। या फिर कभी कभी ऐसे हो सकता है कि रिसर्चर को ऐसे लगता है कि प्राइमरी डेटा जो है ज्यादा एक्यूरेट होगा, सेकेंडरी डेटा एक्यूरेट नहीं है, तो उस केस में रिसर्चर जो है वो प्राइमरी डेटा कलेक्ट करेगा। और लास्ट वाला है जजमेंट ऑफ द रिसर्चर, मतलब रिसर्चर को क्या लगता है। तो कभी कभी ऐसे हो सकता है कि रिसर्चर को ऐसा लगता है कि प्राइमरी डेटा जो है वो सफिशियंट अवेलेबल है और प्राइमरी डेटा के बारे में रिसर्चर एकदम कॉन्फिडेंट है कि उसकी वजह से हमारा रिसर्च प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा, तो उसके वजह से रिसर्चर यहाँ पे प्राइमरी डेटा कलेक्ट करता है। पर कभी कभी ऐसे हो सकता है कि रिसर्चर को ऐसा लगता है कि सेकेंडरी डेटा जो इजीली अवेलेबल है
और वो भी हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, तो उस केस में रिसर्चर जो है वो सेकेंड डेटा कलेक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे रिसर्चर के जजमेंट के ऊपर या नॉलेज के ऊपर डेटा कलेक्शन मेथड जो होता है डिपेंड करता है। तो ये सारे फैक्टर्स है जो डेटा कलेक्शन मेथड के चॉइस को अफेक्ट करते हैं। यहाँ पे अलग अलग फैक्टर्स को कंसिडर करके रिसर्चर जो है वो डिसाइड करता है कि प्राइमरी डेटा कलेक्ट करना है या सेकेंड डेटा कलेक्ट करना है। ये मेरी URL है जहाँ से मैंने इमेजेस लिए है। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज डू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई YouTube चैनल एंड ऑल्सो रिकमेंड माई चैनल टू योर फ्रेंड्स। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।